नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज की इस वीडियो में हम लोग मैकेनिक डीजल ट्रेड के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो आईटीआई की सीबीटी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें इसी तरह के प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप मैकेनिकल डीजल ट्रेड से हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े और हम लोग फ्यूचर में भी इस तरह के कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करते रहें। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग डिस्कशन पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न पर नजर डालते हैं। यहां पूछा जा रहा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? नीचे दिया गया यह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को वर्नियर कैलिपर कहते हैं और इसमें जो एक्स के नाम से जो मार्क किया गया है इसे हम लोग गहराई मापने वाला ब्लेड के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे डेप्थ मेजरिंग ब्लेड भी कहा जाता है, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो भाग है वो एक्स से मार्क किया गया है जिसे हम लोग ताला यानी कि लॉक के नाम से जानते हैं, यानी 32 नंबर का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, और यहाँ पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.01 mm। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहां पूछा जा रहा है कि विच पार्ट इंश्योर्स यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द मेजरिंग फेस इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर, यानी कि कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉफ्ट स्लोप। यह जो है यही बाहरी जो चेहरे हैं उस पर दबाव को सुनिश्चित करता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विच इज द फिक्स मेजरिंग फेस ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एनविल, जिसे हिंदी में निहाई भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ कैमशाफ्ट जर्नल्स, यानी कि कैमशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है यही कैमशाफ्ट की जो पत्रिकाएं हैं उनके व्यास को मापने के लिए प्रयोग में आता है। अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल यूज्ड इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर एनविल, बाहर के किलोमीटर एनविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्बाइड। जो कर्बाइड होता है इसी सामग्री का उपयोग एनविल में किया जाता है। तो 37 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहां पर इस टूल में एक्स में से इस भाग का आपको नाम बताना है, तो इसे हम लोग बी नंबर ऑप्शन यानी ढांचा यानी इंग्लिश में से फ्रेम के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फिर से कि एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसको पहचानना है, तो आपको ध्यान देना है कि एक बार फिर से सेम टूल को यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मार्क जो किया गया है वो कुछ और ही पार्ट को किया गया है। तो यहाँ पर इसका नाम एनविल होगा, जिसे इंग्लिश में हम लोग निहाई कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी इक्वल थिम्बल्स डिविजन आर मेड इन आउटसाइड माइक्रोमीटर, बाहर के माइक्रोमीटर से मतलब आप लोग समझ रहे हैं, बाहर के माइक्रोमीटर से मतलब होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। हिंदी में इसका मीनिंग जो है वो चेंज किया गया है। तो जो बाहर के माइक्रोमीटर होता है यानी जो आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है उसमें कितने समान थिम्बल डिवीजन बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 50 डिवीजन्स। जो 50 डिवीजन्स होते हैं वो समान डिवीजन होते हैं किसमें, आउटसाइड माइक्रोमीटर में। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन थिम्बल डिवीजन रीडिंग इन आउटसाइड माइक्रोमीटर, बाहर के माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मूल्य क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो वन थिम्बल डिवीजन का जो रीडिंग होता है वो क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0.01 mm. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी नीचे दिए गए इस मापक यंत्र का नाम क्या है. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोर डायल गेज. ध्यान से देख लीजिए, इसे हम लोग बोर डायल गेज के नाम से जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है. तो यहां पर जो ये आपको आकृति नजर आ रही है, इसमें इस वाले एक्स के जो माप है, जो नाम है, उसको पूछा जा रहा है. तो इसका राइट आंसर होगा सेंटरिंग शूज, यानी जूतों को केंद्रित करना. सेंटरिंग शूज यानी जूतों को केंद्रित करना 43 नंबर का ये जो है राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यानी फिर से इस टूल के ऊपर वाले जो जो मार्क किया गया हिस्सा है, इसका नाम बताना है. तो इसका राइट आंसर होगा यहां पर सवार. सवार मतलब होता है पलंगर. ध्यान रखना है कि हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा ना हो. अधिकतर आप लोग इंग्लिश में नाम पढ़ते हैं किसी भी टूल का, तो यहां पर पलंगर इसका राइट आंसर होगा. हिंदी में इसको सवार कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यानी कि फिर से एक बार ये टूल के इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, यह पूछा जा रहा है. तो इसका राइट आंसर होगा तना. ठीक है, इसको हम लोग स्टेम यानी कि तना कहते हैं, और आपको सामने दिख रहा होगा कि यह मशीन का तना वाला भाग यहां पर नजर आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, कि डायल बोर गेज के मापन के लिए डायल के आंदोलन को कौन सा भाग सक्रिय रखता है. अभी आपको हिंदी में समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इंग्लिश में सुनिए. विच पार्ट एक्यूलेट्स द मूवमेंट्स ऑफ द डायल फॉर रीडिंग मेजरमेंट ऑफ डायल बोर गेज. समझ में आया, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी कि पलंगर सवार. यानी ऊपर जो हम लोग जो भाग देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वही यहां पर राइट आंसर होगा पलंगर. क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रीड द टेलीस्कोपिक गेज मेजरमेंट, टेलीस्कोपिक गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है. तो यहां पर 47 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर, जिसको माइक्रोमीटर के बाहर कहा जाता है हिंदी में. तो आप लोग इंग्लिश में ही समझिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर. क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, यानी फिर से यह जो मार्क किया गया भाग एक्स जो चिन्हित किया गया है, इसका नाम मांगा जा रहा है, पूछा जा रहा है. तो इसका राइट आंसर होगा पलंगर. ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या होगा, पलंगर. पलंगर से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक हम लोग इसे जो है इस सेट में हमने देख लिया. तो आपको सभी टूल्स के सभी पार्ट्स का नाम एक बार आप लोग जरा देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से सब चीज मालूम चल जाए. क्वेश्चन नंबर 49 है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, यानी फिर से इसमें यह जो एक्स जो माप किया गया है, जो मार्क किया गया है, इसका नाम पूछा जा रहा है. तो इसका नाम होगा सर क्लैंप होगा, जो चित्र में आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा, उसे हम लोग क्लैंप कहते हैं. अब दोस्तों आज के हम लोग अंतिम क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द एंड प्ले ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट के एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है. तो इसका राइट आंसर होगा डायल टेस्ट इंडिकेटर. ये नंबर 50 नंबर का राइट आंसर होगा. तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 50 नंबर तक के जो प्रैक्टिस सेट थे उसको हमने डिस्कस कर लिया. और अगर आप लोगों का इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है, मैकेनिक डीजल के बच्चे इस वीडियो पर अपना अच्छा रिस्पांस दिखाते हैं, तो इसके पार्ट टू को भी मैं लेकर के आऊँगा, और अपने दोस्तों तक यानी मैकेनिक डीजल ITI TET के स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. तब तक के लिए आप लोग बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.